हेलो दोस्तों, तो मैं अपनी एक्टिवा 6G है मेरे पे, तो इसका मैं ऑयल चेंज करने वाला हूँ। तो एक्टिवा 6G में 600 ml ऑयल डलता है, देख सकते हो। तो मैं जेन्युइन होंडा का ऑयल चेंज करने वाला हूँ इसमें। तो नॉर्मल एक्टिवाओं में जो 3G 4G 5G हैं, इस साइड ऑयल चेंज करने का होता है, इसमें उल्टा है, उस तरफ है, तो ऑयल नहीं से डलता है इसका। मैं उस साइड से दिखा देता हूँ आपको। तो इस साइड ऑयल होता है, एक 12 नंबर का स्क्रू होता है जो लग रहा, तो इस साइड से इसका ऑयल निकलता है। तो सबसे पहले मैं इसका ये नट खोल के ऑयल निकाल लेता हूँ। तो मैंने ये इसके लिए ऑयल निकालने के लिए ये ले लिए। तो मैं 12 नंबर का स्पैनर यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने क्या कहते हैं, बोल्ट ढीला कर दिया। देख सकते हो ऑयल की क्या कंडीशन है, काला हो गया। तो देख सकते हो ये इसका ऑयल निकल गया है। तो मैं बोल्ट लगा लेता हूँ। ये मैंने पूरा बोल्ट कस लिया है, उस साइड से मैं ऑयल डाल लेता हूँ। ये मैंने ऑयल के लिए कीप ले रखा है, तो ये मैंने नोजल लगा दिया इसका। सारे यार इस टाइप की इसमें सील है। मॉल डाल लेता हूँ। तरीके से ऑयल डाला नहीं हमने, पूरी गाड़ी देखो लेटा रही है। तो अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। इस तरीके से आप डाल सकते हो ऑयल, क्योंकि क्या कहते हैं डबल स्टैंड में 6G में डल नहीं पाता छोटे कीप से। ये मैंने ऑयल डाल लिया। अब मैं कीप निकाल के ऑयल का कैप लगा देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसका ऑयल चेंज कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।